यहीं पे सारा पानी आके इकट्ठा होता है, काफ़ी डरावना है। सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, कुछ तो है। अब आ जाओ, बहुत डरावना, बहुत डरावना, काफ़ी गहरा है आप देख सकते हो अंदर। तो दोस्तों लोग बस अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट का नाश लिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जाएंगे घूमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट, जो कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। मैं आपको दिखा दूँ, और आज शायद वीडियो सही ना बन पाए क्योंकि लगभग 3 बज चुके हैं और सूरज बिल्कुल पीछे है, तो मेरी शक्ल काली आएगी, आप देख सकते हो। रास्ता काफ़ी साफ़ है और लोग देख सकते हो, धूप निकल रही है तो सर्दी के टाइम में लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं, और काफ़ी भीड़ है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे। आपको बता दूँ कि आप जो पीछे ब्लॉग देख रहे हो ना, ये इसका कोई नाम है पता नहीं, मुझे कोई नाम लिखा तो नहीं था इस पर, लेकिन इस पर रिहास जो है ना, लोग रहते बहुत ज़्यादा हैं। और ये सब लोग जो भी आप पीछे देखोगे ना, अभी ये सब बच्चे और बड़े ये सब यहीं पर रहते हैं। और ये लोग वो हैं जो कॉलेज की जो ऑफिस हो गए, हमारे अकाउंट ऑफिस हो गया, मैनेजमेंट विभाग वगैरह, जहाँ भी जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ वगैरह, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको यहाँ पे एकोमोडेशन दी जाती है। और ये रास्ता सीधे जाके लगेगा वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है। और बता दो कि आपको जी वी है ना, वो प्री प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब इसका प्लान किया गया था, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट, और जो आपका सुएज वगैरह नाली वगैरह सब पहले तो प्री प्लान्ड थी कि आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो कि बारिश पड़ेगी या फिर ना भी पड़ी तो डेली वेस्ट वाटर की ब्लॉकिंग हो रही है चारों तरफ। तो और जो कि सही भी निकला, आज तक हमने कहीं देखी नहीं, मैं 5 साल तो उस यूनिवर्सिटी में और मैंने आज तक कहीं भी ऐसे पानी भरा देखा नहीं। देख सकते हो काफ़ी बड़ा एरिया, जो मेरे पीछे एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा जंगल है और यूनिवर्सिटी का ये एक तरह से रिजर्व्ड एरिया है। आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे रोड बढ़ेगा यूनिवर्सिटी को पल, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनाई देगी। काफ़ी बड़ा एरिया है यूनिवर्सिटी के पास में, यहाँ पे खेती कर सकते हैं ये लोग। पर हमारे जो यूनिवर्सिटी है इसमें एग्रीकल्चर विभाग है नहीं, तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराते नहीं हैं लोग, तो कहाँ से आएगी खेती। और हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए ही रखी होगी ये जगह जो भी है, पर अभी तो काफ़ी नेचर अच्छा है, यहाँ का शांति है, लोग बहुत घूम रहे हैं, उधर माहौल सही नहीं लग रहा मुझे। पर अपने को क्या लेना, अपने को सीधा जाना है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट आपको दिखाएंगे। बता दूं कि यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो कोई इन्फ्लुएंट रिलीज नहीं होता पूरी यूनिवर्सिटी से। और आपको ज़्यादातर यहाँ कैसा वाटर रिलीज होता है कि किचन वाटर हो गया, किचन का वेस्ट वाटर, आपने सब्जियाँ धोई, हाथ धोए और घर से मतलब कपड़े वगैरह धोए, नहाने धुलने का पानी सब, आपका वॉशरूम का जो भी वेस्ट वाटर वो भी यहीं पर आता है। और जो मैसेज हैं 8-9 मैस हैं, तो उनमें जो भी खाना वगैरह बनता है तो वो सब गंदा पानी यहीं पर आता है। तो ऐसा कोई जहरीला पानी नहीं है कि टॉक्सिक वाटर होगा तो ही नहीं, मतलब टॉक्सिक वाटर नहीं है, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट जो वाटर का वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट है उसी प्लांट को ये लोग इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, तो वहीं जा रहे हैं। आप जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ ये काफ़ी हरे हैं, देन की और पास का इलाका। तो बता दूं कि ये अंडोवा का पेड़ है और ये नॉर्मल इसकी लाइफ स्पैन 3 से 4 साल होती है, और इसका जो फल है ना, मतलब बीज जो होता है वो चिया, उससे तेल निकलता है, उसका मुझे नाम याद नहीं। तो अभी बारिश पड़ी थी 1-1.5 हफ्ते पहले, तो उसी बारिश के पानी से ये एकदम हरे भरे हो गए, हरे भरे प्यारे, माहौल काफ़ी शांत है। ओ नाइस, अंदर जाने की जगह है पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हम कहीं और जा रहे हैं। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ तो यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, तो वो हानिकारक नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है,
हानिकारक में सिर्फ जो मतलब टॉक्सिकनेस है वो हो सकता है सिर्फ कि आप जो कपड़े धोते हो और बर्तन साफ करते हो और जी आपका नहाते टाइम पे जो आपका पानी रिलीज होता है उनमें ही कुछ साबुन के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जो टॉक्सिक हों, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। तो इसको यहाँ पे पूरा मैनेज किया जाता है, पूरी यूनिवर्सिटी का पानी इकट्ठा होकर यहीं पर आता है। और आप कहोगे कि यहाँ पर आने के बाद वो कहाँ जाता है, तो बता दूँ कि जस्ट मेरे इस साइड जो मैंने उंगली कर रखी है उधर एक नदी है, नदी कह सकते हैं, छोटी पतली नदी है और काफ़ी दूर से आ रही है इधर से, किधर से बताऊँ मैं आपको, अल्फ़ा टू की तरफ से आ रही है, इधर दादरी साइड से आ रही है वो। हाँ, तो वहाँ पे जाके पानी मिलता है। और ये जो नदी यहाँ से जाएगी अभी जाते टाइम पे एक हिंडन नदी है तो उसमें जाके मिलेगी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो, हाँ ये तो पता है कि हाँ हिंडन नदी में जाके मिलेगी, लेकिन यहाँ का जो सारा पानी है वो सब उसी नदी में जाके रिलीज़ किया जाता है। पर मैनेजमेंट जो होता है चारों तरफ से आना वो यहीं पे किया जाता है। ये है प्लांट, आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये आ चुके हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं था वैसे ये जो रास्ता है ना, ये इधर से भी हम कहीं जा सकते हैं, किसी और दिन लेके चलूँगा आपका। तो यहाँ लोग कम होते हैं, एक दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं पर रहते हैं, अपना यहीं पर खाना पीना करते हैं, क्योंकि कहाँ जाएंगे बेचारे, यहाँ खाली जगह पड़ी है, यूनिवर्सिटी के पास जगह की कोई कमी नहीं है, तो लोग यहीं पर अपना रहन बसर कर लेते हैं। और आपको दिखा दूँ कि चलो आगे चल के ही दिखाऊँगा, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ना ये बिल्कुल बाउंड्री पर आ रहा है, बाउंड्री किधर, कासना के पास है, और कासना के पास जिस जहाँ जो बाउंड्री के पास ही प्लांट बना हुआ है उसी के जस्ट अपोजिट रास्ते पे अपना जिम्स हॉस्पिटल है, उसका भी वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है, और वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट मतलब सब चीज़ का मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है। और अगर पानी की बात करें जो गंदा पानी है तो उसको तो सभी लोग उसी जो नदी है ना छोटी सी मैंने आपको बताई थी उसी में रिलीज़ करते हैं, और हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ का पानी इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन वो उस नदी के ऊपर इतना लोड पड़ जाता है, क्योंकि ऐसी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी काफ़ी हाई राइजिंग सोसाइटीज़ और हाई कैपेबिलिटी वाली बिल्डिंग्स वगैरह हैं जिनसे ऑफिसेज हैं जिनसे भी सेम वाटर रिलीज़ होता है वेस्ट वाटर, और सब वहीं पर छोड़ते हैं, वहीं पर पानी जाके लगता है सबका, तो उसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उस पर भी आपको एक दिन लेके चलूँगा, देखना वो भी काली पड़ रही है, नदी जैसी तो लगती नहीं। तो मैं आपको दिखाने आया था, इस हाथ से पकड़ लेता हूँ, शायद आपको दिख जाए, ये है जी आप, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट होता है कि पूरा पानी जीवीयू में कहीं भी पानी ड्रेन किया जाए वो सारा पानी यहीं पर आके लगेगा। देखो अब ये मत कहना कि पहले देख लो आप, यहाँ पे इन लोगों ने सब्जियाँ बो रखी हैं, अब इतनी ज़रूरत नहीं होती तो ये सभी चीज़ें खाली हैं, यहाँ पे किसी में मशीन रखी है किसी में नहीं, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है, और आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जी भी आने वाले टाइम में काफ़ी नाम कमाएगा और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ, काफ़ी शांति, और बता दूँ कि हम मैनेजमेंट होता है वेस्ट वाटर का, और बिल्कुल भी ओडल तो बिल्कुल नहीं है, गंदी जो स्मेल होती है, पर ख़तरनाक लग रहा है मुझे, मैंने दिखाया नहीं आपको। एक कुआ है बड़ा सा, एंड देन जी आपका ये है, हाँ क्या ये कुछ कुंडी जैसी है, और हो सकता है काफ़ी गहरी हो, एक कुंडी छोटी सी वहाँ पर बनी हुआ ये है, इसमें लेके जाऊँगा आपको, चिंता मत करो, बता अंदर नहीं और दिखाऊंगा अंदर इसके क्या है, बस ये दिखाऊंगा आपके, ये पाव उधर चलते हैं। ये है जी यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होकर आता है, ये जो मशीन रखे आप कहोगे ये किस लिए, क्योंकि जो नदी है ना वहाँ पे जो है तो वहाँ तक पानी पुश करने के लिए, यहाँ से पुश करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, कुछ कंप्रेसर वगैरह लगाए गए होंगे जो मुझे लगता है, वो तो यहाँ से पाइप निकल के जा रहे हैं, बाकी वहाँ पे जाके लगते हैं, एंड देन ओह शिट काफ़ी बड़ा है भाई ये,
मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा होगा। पहले मैं देख लेता हूँ, आपको भी दिखा दूंगा, पता पड़ा मैं आपको दिखाने के चक्कर में गिर गया। ओ देख रहे हो, पूरी टैप पे बड़े बड़े वॉल्व्स लगे हैं और ये इस बड़े कुएं से कनेक्टेड है, आप देख रहे हो। ठीक है, उस कुएं में हम आपको लेके जाएंगे, मतलब तो पर काफ़ी सावधानी देनी पड़ेगी हमें, सावधानी देंगे जब ही काम चलेगा, पता पड़ा ब्लॉगिंग करने के चक्कर में हम भी वेस्ट हो गए। आज तो वाला चढ़ लेते हैं, वो खेट टोकने वाला है नहीं। ओ शिट, वो भाई काफ़ी डरावना है। कैमरा मैं चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। आप देख सकते हो उसमें पानी आ रहा है, अभी बीच में पानी फ्लो हो रहा है, यहीं पे सारा पानी आकर इकट्ठा होता है, काफ़ी डरावना है। सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, लोगों का काम है यहाँ पे, इसकी सफाई वगैरह अगर जरूरत पड़ती तो ऊपर होते हैं लोग। बस मुझे डर है कि मेरा फ़ोन ना मिल जाए इसमें, अरे फिर फ़ोन नहीं मिलने वाला। देख सकते हो खाली वेस्ट वाटर है, कोई अलग से रेसिड्यू नहीं है, थोड़ा बहुत है वो तो चलता है। ये काफ़ी बड़ा कुआं सा है, देखो बड़े बड़े पाइप लगे हैं, ये सारे पाइप कनेक्टेड हैं जी आपके नीचे, नीचे से पानी सफ करके और यहाँ पे कहीं बाहर पहुँचा रहे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और सीधे और सामने बाहर यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर नदी है, वहाँ तक जा रहे हैं ये पाइप। ये सामने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के जस्ट पास ही में लगी हुई है, उसी का एक पार्ट है जिम्स हॉस्पिटल। काफ़ी डरावना है भाई, बहुत डरावना है, हम तो बस चल रहे हैं दूर। ये देखो पास में लोगों ने सब्जियाँ बोला, क्या वह फोवे की खतरनाक हो सकता है, बहुत तो टॉक्सिक हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये पानी देखो अलग से लगाते हैं, ये सिर्फ एक कॉन्क्रीट का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए, या ऐसा नहीं कि ज़मीन के अंदर वेस्ट वाटर का कुछ होगा, वेस्ट वाटर से, हाँ मैं बताना भूल गया कि वेस्ट वाटर से अफेक्टेड होगा ग्राउंड वाटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओ शिट, काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हो अंदर वहाँ पर पानी चल रहा है, आपको दिखा दें, दिख रहा है क्या? कैमरा क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सीढ़ियाँ बनी हैं, लोग जाते हैं भाई, जिनका काम है उनको करना होता है, अगर कुछ यहाँ पर रिपेयरिंग का कुछ मेंटेनेंस जो भी करना होता होगा इनको। पर काफ़ी डरावना लग रहा है, बहुत डरावना, ये देख सकते हो ये कोई ड्रेनेज होल है जो कि सूखा पड़ा है, हो सकता है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? Because you won't forget that. जी कुछ आप देख सकते हो इनको घुमाने के लिए जो है एंडे लगे हुए हैं, ये कोई गेट वगैरह होगा नीचे, कोई अलग सेक्शन होगा ये पानी पर इधर उधर का, इन पर देन ये आराम से बढ़ती नदी नीचे होगा। और अभी तो सिर्फ ये ऊपर पर दिख रहा है, इसके अंदर भी पानी बह रहा है, चल रहा है, आपको दिख रहा होगा चलते हुए वो, और पता नहीं कितना गहरा है। पर एक बात माननी पड़ेगी कि बिल्कुल भी बदबू तो बिल्कुल नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि बदबू होगी या फिर यहाँ पे वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हो रहा है तो स्मेल होगी, ऑर्डर होगी, लोग आराम से रह पा रहे हैं। आप देख सकते हो लोगों ने खेती बाड़ी कर रखी है, ये अनार के पेड़ हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, और
अभी जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी ना, वैसे ख़त्म हो चुकी हैं, और अभी देखो नए पत्ते आ रहे हैं इन पे, तो अच्छे खासे फल आ जाएंगे। लोगों ने बो रखा है, लेटा बो रखा है, लाई यासी जी आपका कुछ लेटा पक चुका है, गाजर वगैरह बो रखी, लार वगैरह बो रखे, सफाई काफ़ी कर रखी हुई। एंड देन मैं आपको फिर से चल के एक बार दिखा देता हूँ ये बड़ा वाला कुआ जो है, इसमें तो भाई देखने को डर लगा ऐसे ही होते। कितना डरावना है, अब पता नहीं कितना गहरा होगा, आराम से दो तीन मंजिल पे दिख रहा है नॉर्मल, इतना होता है दो कम मंजिल, और ये अंदर और नहीं गहरा होगा, आदि को गिरा ना भाई जिंदा बचने में चांस कह नहीं सकता अगर आसपास कोई नहीं होगा। ओके आदमी उतना घबरा ही जाएगा गिर गया, पर किसका मुंह दिख जा रहा है जो इतने पास आए मुझे छोड़ के। कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना खतरा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई, लेकिन ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, इसलिए आप सावधानी रखिए अगर आप आ रहे हैं देखिए। लेकिन ये इंजीनियरिंग आप देख सकते हो किसी बेहतरीन की रही है कि क्या किस तरीके से पूरे को पूरे इतने बड़े कॉलेज का, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का, वेस्ट वाटर का पूरे का मैनेजमेंट किया जा रहा है। मैं आपको मशीन चल रही है आवाज़ आ रही है अंदर, इसके अंडरग्राउंड में पानी के अंदर भी मशीन होगी, काफ़ी तार या तक रहे अंगे दिशा नफीस इंसाइड फिर पाइप एंड तो बाइक नहीं थे बहुत सारे खबर पहुँच गए आराम से निकलते हैं हम यहाँ पे। आपको दिखा दे मैंने सामने भी देख सकते हो सामने क्या है, वो ये कुंडी सी है, ये भी कुछ ना कुछ वेस्ट वाटर का ही हुआ। देखो मैंने जो बताए थे ना अंडा हुआ के पेड़, ये देखो कितने सारे उपज रहे हैं, अभी उपज इसलिए रहे हैं क्योंकि पहले यहाँ पे एक दो पेड़ होंगे उनसे जो बीज निकला होगा वो गिर गया, और ऐसा बीज है कि ये उपज ही आता, और आप यकीन नहीं मानोगे इस बार जो है ना, क्योंकि ये वो लोग उसको खाड़ेंगे नहीं, सिर्फ वहीं तक अपनी खेती करते हैं, तो इस पे भी नए बीज आएंगे, और देखना ये पूरा एरिया भर जाएगा, अभी देख सकते हो आप कितनी बुरी तरीके से एकदम गुथे पड़े हैं एक दूसरे में। वहाँ लेके चलूँ क्या आपको? बिल्कुल लेके चलूँगा, चिंता मत करो। ये देखो कोई पहले का यहाँ पर कोई कंट्रोल पैनल वगैरह लगे हुए हैं इनके, और बिल्कुल मैं बाउंड्री पर हूँ जीवियों की, बाहर आप देख सकते हो बाहर गाड़ियाँ आ जा रही हैं। चलते हैं नीचे उतरने का रास्ता देखते हैं, ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सावधानी रखनी पड़ेगी। चलो यहाँ से उतरते हैं, ये सामने लोग रहते हैं, अपना साफ़ सफाई कर रखी है, लोग रहते हैं तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर स्मेल वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई है, वो सही है, ट्रांसफार्मर वगैरह रखे हैं, चारों तरफ जंगल है, हरियाली है, ऐसी लाइफ के लिए लोग करोड़ों फिर खर्च कर देते हैं। आपको एक बार ये चीज़ और देखो, जाने का रास्ता खोज लेंगे, अगला कदम बढ़ाएंगे जब भी तो आगे का रास्ता मिलेगा, जब तक अगला कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो आगे का रास्ता कब मिलेगा ही नहीं हमको, बस देखना पड़ेगा कहीं आगे सांप कीड़ा कुछ हो ना। ठीक, दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा मुझे, ये मेन होल है जो भी बोलते हैं इसे, सीवर वगैरह, एंड देन जी आपका लगता है सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं अंदर, इसमें जाएंगे तो जरूर। ओह शिट, कुछ तो है इसमें, आवाज़ आ रही है, बहुत डराव है, ये भी बहुत डराव है, मुझे दिखाई नहीं, आपको दिखाई दे रहा है? बहुत खतरनाक है भाई। हाँ फ्रंट कैमरा फिर तो ऑन कर लिया मैंने,
और आप देख रहे हो यहाँ पे आकर जीवी का पूरा जीवी का जो वेस्ट वाटर है यहाँ पे आकर रुकता है, और ये सातों दिन 2400 घंटे चलता रहता है। फिर यहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है उस मैनेजमेंट प्लांट में, उस मैनेजमेंट प्लांट से सीधे नदी में भेज देते हैं उधर पानी पे, और ये चीज़ चलती रहती है हमेशा। मैं आंधी बादल उग जाएगा पर ये चीज़ नहीं उगेगी, क्योंकि भाई पानी तो वेस्ट वाटर तो रिलीज होता ही रहता है हमारी डेली डोमेस्टिक यूजेज में हम लेते हैं, तो रुकती नहीं ये चीज़ें लाइफ, तो वेस्ट वाटर क्यों उगेगा। काफ़ी अच्छा, इन लोगों ने देखो सफाई कर रखी है। निकल सकते हैं क्या यहाँ से? हाँ कभी लेते वैसे इन्होंने कुछ कहा तो नहीं मुझे, ये अपने काम से काम रखते हैं लोग, ये नहीं हर लोग, हर कोई इंसान जो अपना सीधे साधे इंसान हमेशा अपने काम से काम रखता है। जगह काफ़ी अच्छी है, रिमोट एरिया लग रहा है मुझे तो, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कहाँ आ गया, पहले कभी आया नहीं था यहाँ पर। हाँ वैसे मैं एक बार आ चुका हूँ अपने दोस्त के साथ, दोस्तों आप देख सकते हो इन लोगों ने यहाँ पे फुलवाड़ी वगैरह लगा रखी है जो सड़क की बाउंड्री है उस पर। हाँ एक फुलवाड़ी पे फूल भी आ रहा है, आपको दिखेगा नहीं। काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था मेरा, मैं यहाँ था ना एकदम रियल में, तो मैंने एकदम डर सा लग गया जब मैंने वो कुआं देखा। हो सकता है आपको सही से ना दिखाऊँ, कैमरे की क्वालिटी इतनी सही नहीं है, पर मैंने कोशिश अपनी पूरी की। आप बता देना आपको क्या मैसेज करना, हाँ कमेंट करना कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो। माहौल काफ़ी अच्छा है, ठंडी हवा चाहिए, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम, धूप निकली हुई है। मैं सोचा चलो आपको घुमा लाता हूँ, दिखा के लाता हूँ कि आपके घर से निकला हुआ जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे जाता है। कोई नहीं, नदी पे भी एक दिन लेके चलूँगा, क्योंकि नदी है ना वहाँ पे काफ़ी गंदी है, और उसके ऊपर से पुल जा रहा है, तो हम कहीं जाते हैं तो उस पुल के ऊपर से जाना होता है, तो जब देखते हैं। पर मैं उसको एकदम आपको उसके किनारे पर लेके जाऊँगा एक दिन मतलब जब भी मुझे मौका लगेगा। तो ये था दोस्तों, पूरे जीवियों का वेस्ट वाटर यहाँ पे आके लगता है। इसका कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं, क्योंकि इतना टॉक्सिक नहीं होता ये पानी, नॉर्मल यूसेज का पानी होता है डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे किचन में हो गया, नहाने धोने में हो गया, और जो कॉलेज के जो वॉशरूम है, वो हॉस्टल के वॉशरूम्स जो मेस हैं उनमें जो वाटर निकलता है ना, वो सब वाटर यहाँ पे आता है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कि ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूरी है, हाँ वैसे ज़रूरी तो है, अगर आने वाले टाइम में ज़्यादा टॉक्सिकनेस बढ़ गई या फिर ज़्यादा लोड हुआ लोगों का यहाँ पे, तो एक ट्रीटमेंट प्लांट इनको लगवाना पड़ेगा। और वैसे जीबी के पास काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं होगी जीबी का, कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने बस सही भी रहेगा, एक रोल मॉडल बनेगा कि हाँ यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में एक जिसके पास अपना खुद का ट्रीटमेंट प्लांट है वो तो दोस्तों लोग बस अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं और एनवायरनमेंट का नाश लिए जा रहे हैं। और जो नदी है ना जो मैंने आपको बताया था, उस नदी किनारे बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, ये तो सिर्फ यहाँ से पानी जाता है ना वेस्ट वाटर, उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर और थोड़ा बहुत साबुन वगैरह होता है, तो उसके लिए इतना हानिकारक नहीं है। पर काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो कि उन इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर है वो भी उसी नाली के अंदर जाता है, नहर के अंदर जाता है बेसिकली, पर दिखती नाली जैसी है, तो वो जाके इंडन में मिलेगी, इंडन कहीं और जाके मिलेगी। तो ऐसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करते रहते हैं, ट्रीटमेंट कोई नहीं करता भाई। मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था ना जब, तो उसमें बताया जा रहा था कि तीन से चार स्टेजेस होती हैं किसी वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे थी। और ये समझो कि आप अगर अपने वेस्ट वाटर डाला
उसका ट्रीटमेंट करने, और जब फाइनल स्टेज से निकाला तो एकदम पानी स्वच्छ हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं 99% ऐसी जगह हैं जहां ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद भी पूरी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाते, गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती, और बस दिखावे के लिए वो प्लांट्स हैं और रात के टाइम पे वेस्ट वाटर को रिलीज़ कर देते हैं और अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से हार्म करते हैं। और वो एनवायरनमेंट उनके आसपास ही होता है, पर इंसानों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को चाहिए सिर्फ पैसा। और बता दूं आपको कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अर्थ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या बता। इसके बारे में तो आप जानते हो, इंडिया नंबर वन हो गया पॉपुलेशन के मामले में, और मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का बिल्कुल है ही नहीं। और ये तो शुक्र मनाओ कि अपनी जो यूनिवर्सिटी ना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्री प्लान है सब चीज़, तो जब आपको ये चीज़ देखने को मिली एकदम बढ़िया से। सोचो कुछ शहर पहले बने हुए हो बहुत पुराना, तो वहाँ कुछ नहीं है, दिल्ली जैसे ही वो शहर है बारिश के टाइम पे वहाँ पे वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है बहुत भयंकर, सीवर का पानी घरों में घुस जाता बट लोगों के। ये लाइफ का सच है भाई। यहाँ पर फिर से मैं जीबीओ से वो उस जगह थी जीबीओ से बिल्कुल एकदम जीबीओ के कोने में बनाई थी, तो वहाँ पे वैसे स्मेल वगैरह थी नहीं, और मैं चलते चलते फिरते जीबीओ के बीच में आ गया। अब लोग यहाँ देखने लग गए, वहाँ पे थोड़े बहुत थे, यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये सही है, देखो काफ़ी जगह है जीबीओ के पास। अगर सोचो यहाँ पे एक पूरा जंगल लगा दिया जाए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएँ, हो सकता है इनको काटने की ज़रूरत पड़े, इनको जगह की ज़रूरत पड़े तो ये उस टाइम पे काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको टिम्बर वगैरह जो भी कमर्शियल वुड लॉगिंग करेंगे ना तो उससे भी पैसा मिलेगा, और जब तक यहाँ कुछ बनाते नहीं, जब तक वो पेड़ यहाँ पे रहेंगे तो उससे कितना वातावरण साफ रहेगा। पर कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ये जगह बस खाली पड़ी है अबेंडेंट। पूरे एनवायरनमेंट में जगह जगह आपको परेशानियां देखने को मिल जाएंगी, और ये नहीं कि लोग इस पर चिंता नहीं कर रहे, कुछ लोग हैं बहुत कंसर्न हैं इस इन चीज़ों के बारे में, जैसे पीपल हार्म हो गया, पीपल वाबा हो गया, और पॉन्ड रिजुविनेशन की कुछ संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं हैं, मैंने नाम से नहीं लिया। और काफ़ी देख सकते हो वेस्ट वाटर का तो मैनेजमेंट सही है, पर वेस्ट का मैनेजमेंट सही नहीं है। यहाँ पे देखो चारों तरफ कवाड़ा पड़ा हुआ है, मेरे पीछे पड़ा है, अभी मैं थोड़ी देर में आग तराशने वाला हूँ। यहाँ काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखिए लिखा है आपको। ये ज़्यादा ख़तरनाक है पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये पूरी मिट्टी को ख़राब कर देता है एकदम, क्योंकि कपड़े हैं, पन्नियाँ हैं, हमारा डेली वेस्ट वो किचन से निकलता है, ड्राई वेस्ट वो सब फेंक रखा हो, और सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करता है। तो आप कहोगे यहाँ कौन सी खेती हो रही है, और भाई पेड़ तो हैं, इन पेड़ों पर असर पड़ेगा, पर है ही नहीं, पूरे इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी, कोई दिक्कत लोग महसूस करते नहीं इन चीज़ों से, बस अपने आप को कंपेटेबल बना लें इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। पर आने वाले टाइम में ये दिक्कत पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न है बिल्कुल पूरी तरीके से इसके अकॉर्डिंग, कि भाई पेड़ लगाने हैं, तालाब बचाने हैं। आपने सुना भी होगा ना कि दिल्ली में कुछ 100-150 के करीब जो तालाब हैं, पौंड हैं, उनको फिर से रिस्टोर किया जा रहा है। तो भाई कुछ लोग हैं जिनको पता है कि हाँ एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है, तो उन लोगों से जुड़े रहिए, उन लोगों को देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं, तो आप अगली बार कबाड़ा फेंकने से पहले और
वो वेस्ट वाटर ज़्यादा प्रोड्यूस करने से पहले 100 बार सोचेंगे, नहाते टाइम 20 मिनट ना लगाएं, 5 मिनट में नहा लें या 2 मिनट में नहा लें, नहीं बाल्टी से पानी यूज़ करें तो सही है, आधे बाल्टी बाल्टी में काम हो जाता है। मैं आगे फिर से, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने बताया था आपको लोग रहते हैं, स्टाफ के जो पॉलिस के ऑफिस हो गए, अकाउंट ऑफिस वगैरह हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होगी, उसमें जो भी लोग एज ए स्टाफ लगे हुए हैं ना, वो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग जीवियों के हैं, कुछ लोग जिम्स हॉस्पिटल के हैं, वो काफ़ी रिहायशी एरिया है, गाड़ियाँ खड़ी हैं चारों तरफ, सही है भाई। और साफ सफाई बहुत है जीवियों के अंदर, सड़कों पर साफ सफाई दिखेगी। अब मैंने आपको दिखाया वहाँ कोने पर वेस्ट कितना पड़ा था, ड्राई वेस्ट, और वैसे अंदर मैंने जीवियों में देखा है कि कहीं ज़्यादा जगह पड़ा नहीं होता, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और इस चीज़ के लिए भी कंसर्न करें तो एक अच्छी संस्था बन जाएगी अपनी जीवियों की, क्या यहाँ कि हाँ जीवियों एनवायरनमेंट के लिए कितनी कंसर्न है। पेड़ पौधे काफ़ी हैं जीवियों में, और भी लगाए जा सकते हैं, पूरे इंडिया में पेड़ों की तो कमी है ही, पूरी दुनिया में कितने लगा लो, हमेशा कमी पड़ती रहती है, तो जगह है तो पेड़ लगा दो, वातावरण पर एकदम शुद्ध हो जाए, कर देंगे। तो काम ख़त्म दोस्तों, मैं आ चुका हूँ चौराहे पे, चौराहा है ये, है 5 नंबर गेट, यहाँ तो कासना की तरफ जाते हैं, कासना पर नीचे होगा लेकिन जान जाने का भेजा देता था, पर इन्फॉर्मेशन लेट्स कब से आप जाने का सामान खरीद सकते, खाने की इधर पर मोदल जाऊँगा, एंड देन जी आपका मेरे पीछे जिस रास्ते से मैं आया था, ये रास्ता ये ब्लॉक की तरफ जाता है जहाँ पे स्टाफ रहते हैं, एंड देन ये रास्ता जो आप देख लो सीधा ये जाएगा 2 नंबर गेट की तरफ, और इसी के किनारे किनारे सारे हॉस्टल्स हैं, जैसे 3-4 गेट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल हॉस्टल्स हैं, 3-4 गेट सिर्फ ऐसे हैं जिनमें बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, और फिर उसके आगे कुछ और ऐसे गेट हैं जिनकी पास सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है और वहाँ से गर्ल्स जा सकती है। माहौल काफ़ी सही है, सुरक्षित माहौल है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, देख सकते हो आप लोग। पेड़ तो बहुत है भाई जीवियों के अंदर, पूरी सड़क के किनारे किनारे चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, देखो काफ़ी पेड़ है, उस तरफ दिखा दी मैंने आपको, इस तरफ और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये नहीं कि ये जो मैं ये है मेन परिपथ, इसका नाम है बौद्ध परिपथ, वहाँ पे लिखा भी है, तो जी मैंने याद नहीं था, तो ये पूरी जीवी के और पास एक परिपथ बना हुआ है जो मेन रोड बोलते हैं इसको, और इसके किनारे किनारे इतने पेड़ लगे हुए हैं, क्या बताऊँ, सिक्योर माहौल है, ताऊ हैं सिक्योरिटी वाले, वो मुझे देख रहे हैं कि रंदा की कर रहा है, कैसे और मेरा हॉस्टल आ लिया बस, मैं रिफॉर्डिंग बंद कर दूँगा थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों सुरक्षित रहें, सावधान रहें, मैं तो बस यही कहना आप लोगों से, और अपना दिमाग चलाएं, अपना खुद का दिमाग चलाएं, चीज़ों को करने से पहले 100 बार सोचें, उसको करने के बाद रिग्रेट ना करें कि ये कर दिया मैंने। तो दोस्तों चलिए रखता हूँ मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरा मन तो नहीं कर रहा रखने का, पर कोई नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे, आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट की सीवियर सिचुएशन दिखाएंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं या तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो रहा होगा या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और वीडियो में अगर कुछ भी गलत बोला हो, कुछ आपको सही नहीं लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू।